नमस्कार, रेडियो खांची के सभी श्रोताओं को मैं अजय दीप वाधवा का नमस्कार। मैंने एक कहानी कहीं पढ़ी थी, शायद शिव खेड़ा जो भारत के प्रख्यात मोटिवेटर हैं, उन्हीं के द्वारा ये कहानी मैंने पढ़ी थी कि एक बार शिव खेड़ा से किसी विद्यार्थी ने पूछा कि सर, मैं जब कॉलेज रोज जाता हूँ तो अपने किसी किसी प्रोफेसर को जब मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ तो वो जवाब नहीं देते हैं, वो सिर भी नहीं हिलाते हैं, तो क्या मैं उनको गुड मॉर्निंग कहना बंद कर दूँ? शिव खेड़ा ने कहा कि नहीं, आप कभी उनको गुड मॉर्निंग बोलना बंद नहीं करिए, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को सुबह मिलने पर विश करते हैं तो आप पूरे समाज को, उस व्यक्ति को, सबको ये संदेश देते हैं कि आप ऐसे परिवार से हैं जहां आपको ये सिखाया गया है कि जब भी कोई आपको, आपका सीनियर, आपका टीचर, आपका बुजुर्ग या कोई भी पड़ोसी जो आपसे उम्र में बड़ा है, या आपका बॉस आपको सुबह पहली बार मिले तो आप उसे विश करें। ये आपको बचपन से आपके परिवार ने सिखाया है। आपका जो परिवार है, जिसने आपको सभ्यता सिखाई है, शिष्टाचार सिखाया, आप उसकी व्याख्या करते हैं। आपके टीचर जब आपको जवाब नहीं देते हैं, वो अपने परिवार की व्याख्या करते हैं कि उनको परिवार में बचपन से सिखाया नहीं गया कि जब कोई व्यक्ति विश करे तो आप उसके विश का जवाब दीजिए। तो आप अपना शिष्टाचार मत छोड़िए, आप अपने परिवार की व्याख्या कर रहे हैं, आपके टीचर अपने परिवार की व्याख्या कर रहे हैं, वो अपने अशिष्ट होने का परिचय दे रहे हैं। जी हाँ, आज का मेरा विषय है शिष्टाचार। मैं नाम तो नहीं लूंगा, मैं एक दो फॉरेन कंट्रीज में गया तो वहाँ मैं किसी काम से बैंक गया, शायद मुद्रा का एक्सचेंज कराने गया। मैं वहाँ की करेंसी को, जो मेरे पास डॉलर था, उसको मैं वहाँ की करेंसी में कन्वर्ट कराने गया। जब मैं बैंक में गया तो यकीन मानिए, बैंक में पहले दरबान ने मुझे अपनी भाषा में नमस्ते कहा, और जो कैश काउंटर पे गया, जब मैंने डॉलर दिया कि इसको आप करेंसी में कन्वर्ट कर दीजिए, तो वहाँ बैठे लड़का या लड़की ने पहले हाथ जोड़ के मुझे अपनी भाषा में नमस्ते कहा। ये जो शिष्टाचार है, ये एक मनुष्य का एक गुण है, ये मनुष्य का एक बहुत ही बड़ा स्वाभाविक गुण है, और हम कई बार इसे नहीं मानते हैं, शिष्टाचार को भूल जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, आज मैं इसी विषय पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम मनुष्य हैं, इसलिए हमें शिष्टाचार है, और हमें शिष्टाचार कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। जब कोई हमसे बुजुर्ग या हमसे सीनियर या हमसे उम्र बड़ा या हमारा समकक्ष व्यक्ति भी हमें मिले, तो हमें सुबह पहले उसे गुड मॉर्निंग या नमस्ते करना चाहिए, उसका अभिवादन करना चाहिए। जब कोई हमें गुड मॉर्निंग करे, कहे, तो हमें उसका जवाब जरूर देना चाहिए। कई बार मैंने देखा है, मुझे व्हाट्सएप पर लोग गुड मॉर्निंग मेरे स्टूडेंट्स भेजते हैं, कई बार मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, पर मुझे दिन में जब भी मौका मिलता है मैं उन्हें जवाब देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे गुड मॉर्निंग संदेश भेजा है। ठीक है, कई लोगों ने भेजा है, मुझे बोरिंग हो जाता है कभी कभी, पर मैं सोचता हूँ उसने मुझे, मेरी इज्जत की है, उसने मुझे याद करके गुड मॉर्निंग भेजा है, ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसको जैसे ही अवसर मिले उसे अवश्य जवाब दे दूँ। हमने ये भी देखा है कि भारतीय समाज में शिष्टाचार की धीरे धीरे कमी होती जा रही है, खासकर आजकल के जो युवा वर्ग है। मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं गलती हम लोगों में है, हमारी पीढ़ी में है, जब हमने युवा वर्ग को शिष्टाचार नहीं सिखाया है। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो हम लोग का मम्मी पापा सिखाते थे कि जब भी तुम किसी बड़े व्यक्ति का पैर छुओ तो रियल ना पैर छुओ, सिर्फ झुको नहीं। हम लोग थोड़ा सा झुक जाते थे या मुंह से बोलते थे पैर, पंजाबी जैसे हूँ, हम लोग बोलते थे पैर ही पहना, तो माँ बाप बोलते थे नहीं, तुम झुको और उनके पैर को छुओ। आज भी बिहार में, बिहार से जब मेरे कोई विद्यार्थी आता है तो मेरे पैर छूने के लिए झुकता है, तो रियल में वो झुकता है और मेरे पैर को छूता है। पर आजकल जो हमारे बच्चे हैं, ये अब तो शायद झुकते ही नहीं है, पता नहीं लगता उनको कमर में दर्द हो जाएगी। जो बुजुर्गों को देखते हैं तो हल्का सा झुकने का अभिनय करते हैं और बिना पैर छुए बोलते हैं चाचा जी पैर ही पहना, यानी मैं आपके पैर छू रहा हूँ। और कभी कभी चाचा जी लोगों को भी मैंने देखा है कि जब अगला बच्चा उनके बोलता है पैर ही पहना झुक रहा है तो उसको आशीर्वाद नहीं देते हैं, हाथ भी नहीं उठाते हैं। जब मैं, अगर कोई लड़का, कोई विद्यार्थी मुझे पैर छू रहा है तो मुझे ये अवश्य बोलना चाहिए खुश रहो, जीवन में आगे बढ़ो, कुछ ना कुछ आशीर्वाद देना चाहिए। कई बुजुर्ग भी आशीर्वाद नहीं देते हैं तो बच्चे सोचते हैं ये तो बुजुर्ग आशीर्वाद ही नहीं देते, वो पैर छूना भी छोड़ देते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि शिष्टाचार एक हमारा स्वभाव है, ये हमें अन्य लोगों से अलग करता है। हमें शिष्टाचार सीखना चाहिए, शिष्टाचार का पालन करना चाहिए, जो बेसिक शिष्टाचार अभिवादन करने का उसे अवश्य पालन करना चाहिए। जब भी हम सुबह किसी से मिलें उसका अभिवादन करें, हम उसे नमस्ते बोलें, गुड मॉर्निंग बोलें, सत श्री अकाल बोलें, सलाम वालेकुम बोलें, पर अवश्य बोलें, और जब हमें कोई विश करे तो हमें उसका जवाब अवश्य देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुनने के लिए इतना समय दिया।